स्पॉन्सर्ड बाय BRC छत्री डेसिकेटेड कोकोनट सुपर पाउडर। सांसद जोशी की केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात। केंद्रीय पुलिस फोर्स की स्थापना एवं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों द्वारा निवेश कराया गया, जनता का पैसा लौटाने की मांग। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र सांसद CP जोशी ने नई दिल्ली पहुंच केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से भेंट की तथा संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ से जुड़े कई गंभीर विषयों के संबंध में चर्चा की। उन्होंने भेंट के दौरान बताया कि दक्षिणी राजस्थान का उदयपुर संभाग, जो कि पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश एवं गुजरात के बैल से जुटा है, इन जिलों में विगत कुछ वर्षों से विभिन्न प्रकार से सामाजिक, धार्मिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली घटनाएं घटित हुई, जो कि शांत रहने वाले इस क्षेत्र में चिंता का विषय है। केंद्रीय गृह मंत्री से यहां पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स या केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की बटालियन की स्थापना का आग्रह किया, जिससे कि आने वाले समय में किसी प्रकार की अवांछनीय गतिविधियों को बढ़ावा न मिले। साथ ही सहकारिता विभाग के लिए जानकारी देते हुए बताया कि संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ एवं राजस्थान के बड़े क्षेत्र में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी PACL, सहारा ग्रुप और इसी प्रकार के अन्य सोसाइटियों के द्वारा आमजन का निवेश किया हुआ पैसा वापस नहीं लौटाया जा रहा है, जिससे कि आमजन निवेशकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अकेले आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 10 लाख से ज्यादा निवेशकों के 8000 करोड़ की राशि का भुगतान बकाया चल रहा है। इस प्रकार के मामलों की गंभीरता को समझते हुए इनकी जांच करवाने तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर आम जनता निवेशकों की पूंजी को जल्द से जल्द वापस पहुंचाने में सहयोग करने का आग्रह किया। वही चित्तौड़गढ़ पधारने का आग्रह भी किया सांसद जोशी ने। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट।